लीशा स्विच। लीशा? हाँ वही। इसकी क्या प्राइस है? 7.5 रुपए। और एमआर कॉफी देना। एमआर जी बड़ा पैकेट है। ठीक है बड़ा पैकेट दे दीजिए। जी हाँ वही। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे आ, 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 कोई है? कोई है? आ, 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 तुम्हें कमिश्नर साहब ने बुलाया है। क्यों? ये तो वही जाने। चलो मेरे साथ। मिस्टर जय किशन इज हियर सर। स्टैंड अवे। यस सर। इंस्पेक्टर राणा, सी मी आफ्टर 20 मिनट्स। ओके सर। नमस्ते सर। बैठिए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। किस बात का? कल जिस औरत को आपने गुंडों से बचाया वो मेरी भाभी थी। सर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। कल मैंने आपकी भाभी की इज्जत बचाई तो आपने मुझे यहां बुलाया, इतनी इज्जत दी, इतना सम्मान दिया। अगर यह हादसा किसी और के मां बहन बीवी के साथ होता तो क्या आप मुझे इतनी इज्जत इतना सम्मान देते? देखो तभी मैं भी तुम्हारी तरह एक जज्बाती नौजवान था। कोई भी जुल्म, कोई भी नाइंसाफी, कोई भी बुराई मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन वर्दी पहनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इंसाफ, कानून, मकसद और सच्चाई, ये सारे शब्द सिर्फ किताबों में सांस लेते हैं और असली जिंदगी में दम तोड़ देते हैं। ये यूनिफॉर्म हमारी एक लिमिटेशन है, कोई लाइसेंस नहीं। इसीलिए मैं जब कभी तुम जैसे सच्चे जज्बाती नौजवानों को देखता हूं तो अपने पास बुलाता हूं। खैर, एनीवे, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ यू कैन कम एनी टाइम। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं तुमसे कोई ज्यादती नहीं करना चाहती लेकिन तुम हमेशा तो यहां नहीं रह सकती। जानती हूं मदर, नौकरी मिलते ही चली जाऊंगी। तुम्हें नौकरी कब मिलेगी? मैंने नौकरी के लिए तुम्हें कहां कहां नहीं भेजा। जहां जहां मेरी पहचान थी, मेरी सिफारिश थी, वहां सब जगह भेजा। पर पता नहीं इस बिल्डिंग के बाहर कदम रखते ही तुम्हें क्या हो जाता है। तुम बिल्कुल गूंगी हो जाती हो। तुम अपना नाम तक नहीं बता सकती। मैं कह नहीं सकती कि मैं यतीम हूं, लावारिस हूं। कम ऑन मिली, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी जाहिलों जैसी बातें करती हो। तुम दुनिया में अकेली यतीम नहीं हो, लाखों के बीच में अकेली हो जाती हूं। जब पेन खपने लगती लगता है सब मुझे जानते हैं।
कि मैं यतीम हूं, लावारिस, डर के वापस आ जाती हूं। यहां मुझे कोई कुछ बोलता नहीं ना, खा जाओ। ये मैं नहीं जानती, तुम्हें यहां से जाना होगा। अब यहां तुम्हें एक दिन भी और रखना मेरे पास की बात नहीं है। जग्गू 5 बजे का आने का कह गया था, आता ही होगा। पहले दिन आके गिर गए इधर बस्ती में। You are the right choice, baby. You are the right choice, baby. यहाँ फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ये हमारी दीदी का घर है, जब तक रहना चाहती है रह लो। दीदी, दीदी अब तक काम कर रही है, बोला था 5 बजे तक ले आऊं। मिली हमारी दीदी है, इसका दिल सोने का बना हुआ है, बहुत जल्दी बिगड़ जाती है। ए जग्गू, ए जग्गू, ए लड़की, मिली है ना तेरा नाम, तू बैठ जा चैन से, मैं कपड़े सुखा कर आती हूँ। क्या हुआ? अजीब सा लगता है, पहली बार इतना प्यार मिला है ना, इसलिए। अरे यार क्या बोल रहा है, नहीं 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 नहीं, डेड बॉल। नमस्ते अंकल जी। अनिल के बच्चे को छेड़ता हूं आज, बदमाश। साले तेरे घर में मां बहन नहीं, अरे मां बहन क्या घर में, अरे बुड्ढा पागल हो गया, अरे बुड्ढा पागल हो गया, जग्गू तेरे दोस्त अनिल को मैंने लड़ने को छेड़ दिया। अरे बाबा, बाबा प्लीज, बाबा जाने दो प्लीज, छोड़ो अनिल को। ये मेरे फेवरेट छेड़े बाबा, आप क्यों मिलने से बोला? तुम सिगरेट कब से पीने लगे? ये अरे ये मेरे नहीं, अनिल की सिगरेट। अनिल छोड़ूंगा नहीं उसको, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। देखो देखो बदमाश, बाबा जाने दो, बाबा जाने दो ना, बदमाश है वो। अरे मगर पब्लिक के सामने ऑलवेज बुमाम करते रहते हो। भैया चाय। भैया Oh
बाबा ये तो लेते जाओ। जग्गो, ए जग्गो, पेपर आया क्या? छोटी पेपर आया? नहीं आया भैया। अबे ओ जग्गो, नहीं आया पापा। पापा कहते हैं बंद कर तेरी बेसुरी आवाज यार। अरे पीरी देवी मेरी जान, कहाँ थी इतने टाइम? चप्पल नहीं है यहाँ पे? नहीं है? नहीं है। कहाँ चली गई? शायद भैया ने पहनी होगी। सुना, चप्पल पहन के गया मेरी, गया कहाँ है? अच्छा यहाँ का पानी का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, 7 से 9 बजे तक आता है। वो देखो सामने रहा। ए जग्गू, जग्गू, मेरी चप्पल पहन के गया तू? ए जग्गू, आया आया भाई, खाना लेकर आ रहा। तू मेरी चप्पल पहन के गया क्या? ए जग्गू, आया। इतना चिल्ला रहे हैं, सब सुन रहे हैं। दूसरे पहनो, उसकी चप्पल होगी ना। आप भी कमाल करते हैं, बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं। चलो मैं आगे निकलती हूँ, आप आइए। ठीक है ना चाचा? अजी फर्स्ट क्लास, खाइएगा तो मजा आ जाएगा आपको। ये चिकन की आइटम बहुत मस्त। पुराने दिन याद आते हैं, इकबाल के तो पूरे बाल पक गए बनाते बनाते। तुम्हारी उंगली करने की आदत गई। काहे की? काहे को पंगा लिया बाबा से? तुम्हारे दिमाग में यह अटक गया है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, ऐसा होता है क्या? नहीं, बहुत प्यार करता है ना, इसलिए हमको बचपन से दूर रखा। अरे मैं तो वो तो अच्छा ही दूर रखा। हम दोनों में एक तो है जो पढ़ा लिखा निकला, और तुम भी निकलते मेरी तरह, तोड़ डालेगा फट डालेगा। इसलिए नहीं, उसकी वजह कोई और है। अब कहते हैं हमारे नाम का इस्तेमाल मत करो। इनको नहीं मालूम इनके नाम की वजह से हमने कितना भुगता है। स्कूल में हमारे कोई नजदीक नहीं आया क्योंकि हम जहांगीर खान के बेटे हैं। कॉलेज में किसी ने दोस्ती नहीं की क्योंकि हम जहांगीर खान के बेटे हैं। तुमको देखते हैं तो इतनी खुशी है चेहरे पे, हमको देखने के बाद हैवान बन जाते हैं। अब कहते हैं हमारे नाम का इस्तेमाल मत करो, हम अपना धंधा अपने हिसाब से। सीरियसली बता, चिकन खाने आया या मेरा भिजा खाने आया? क्या आइटम है तू यार। भाई इस एरिया में ज्यादा रुकने का नहीं है, चलो निकल लेते हैं। तो बैठ, मैं आता हूँ।